बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैपलेक्स फिर जो है ना आज काम करने, उसमें सबसे पहले जो मैपलेक्स उसको एनेबल कैसे करते हैं, और जो है ना जो लेबलिंग टूल बार है उसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग अपनी जो है ना फाइल ऐड करेंगे। जी, तो जो मेरा डाटा पड़ा है, जी मैपलेक्स, ये पार्सल MXD, ये वाला हम लोग जो है ना ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये वाला हमारे पास एक मैप आ गया है, ठीक है, डिफरेंट जो है ना लेयर्स के साथ। अब हम लोग जो है ना क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और एक्सटेंशंस में, यहाँ से हम जो है ना अपनी एक्सटेंशन जो मैपलेक्स है ना उसको ऐड करवाएंगे। जी, एक्सटेंशंस में आएंगे, यहाँ पे देखते हैं तो हमें मैपलेक्स नज़र नहीं आ रही एक्सटेंशन। तो अगर नज़र ना आए तो फिर हम लोग उसके लिए जो है ना प्रोसीजर क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे डाटा फ्रेम होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, क्लिक करते हैं तो ये डाटा फ्रेम आ गए। यहाँ पे आपने जनरल में क्लिक करना है। जी, तो यहाँ पे देखें लेबल इंजन के अंदर जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन है मैपलेक्स लेबल इंजन, इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई करते हैं। जी, ये ओके हो गया। अब जो है ना वो हमारे पास मैपलेक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा। जी, यहाँ पे आते हैं तो स्टिल जो है ना अवेलेबल नहीं हुआ। जी, यहाँ पे नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और कस्टमाइज में जाके टूल बार्स में जाएंगे। यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन होगी लेबलिंग। जी, लेबलिंग का जो है ना वो क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, लेबलिंग के अंदर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से यूज मैपलेक्स, ठीक है। जी, ये अब जो है ना जो हमारा मैपलेक्स लेबल इंजन है वो क्या हो गया, एनेबल हो गया। यही हम लोगों ने करना था। जी, मैपलेक्स लेबल इंजन को जो है ना एनेबल करने के बाद हम लोग इसकी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि हम लोग जो पार्सल्स हैं उनको किस तरीके से जो है ना उनके पार्सल नंबर्स जो है ना वो दे सकते हैं। जी, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पॉपअप विंडो ओपन होती है। जी, तो स्ट्रीट और जो है ना पार्सल्स, ये डिफॉल्ट अगर ना हो तो हमें इनको जो है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस में जाएंगे। जी, ये चूंकि ऑलरेडी सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं तो हम इसको ओके रहने देंगे। जी, जो ये यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट प्रॉपर्टीज है ना, ये कर्व्ड आ रही है, तो अब ये हम पे डिपेंड करते हैं, हम कर्व्ड रहने देते हैं या इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। जी, तो हॉरिजेंटल कर दें अगर, तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा ये वाला। जी जी ये करने के बाद ये प्लेसमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक और पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। तो फिल्टरिंग जो है ना स्ट्रेटजी पे जाएंगे और इसको क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। यहाँ पे जी बाय डिफॉल्ट जो है ना ये वाले सिलेक्ट हुए हुए, हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे अब जो है ना हम लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चूज बेस्ट वगैरह की ऑप्शन आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फोर्स अपडेट पे क्लिक करेंगे। जी, जैसे यहाँ पे क्लिक करते जी इसको ओके करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अनचेक कर देंगे और रिडक्शन साइज में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे, हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, तो यहाँ पे जो है ना चेंजिंग्स करेंगे किस तरह। जी, जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो ये वाली 4 है, इसको हम यहाँ से 9 कर देते हैं। इसके बाद जो ये लोअर लिमिट है हमारी, ये 90 शो हो रही है, तो इसको हम 75 कर देते हैं। जी, ओके करते हैं। जी, हमारे पास जो है ना वो एक एरर आ गया, वो क्या कह रहे हैं, फॉन्ट साइज जो है ना वो आपका कितना होना चाहिए, लेस होना चाहिए ताकि हम उसको कर सकें। यहाँ पे हमारे पास 22 शो हो रहा है तो हम इसको जो है ना वो लेस कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके, इसको भी बैक कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको अभी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको हम 12 कर लेते हैं। तो फिर से प्रॉपर्टीज में जाते हैं और जो ओवन हमारा यहाँ पे था स्टैक में वो फोर्स वाला था, इसको क्लिक किया, ओके करते हैं। तो यहाँ से ओवन रन को जो है ना कट कर देते हैं और रिड्यूस फॉन्ट साइज में जाते हैं। जी, अब देखिए 12 शो हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने 9 करना है और यहाँ पे 75%। जी, जैसे ही करते हैं ओके करते हैं, देखें अब हमारे पास वो वाला एरर नहीं आया। जी, लेबलिंग को वेटिंग देने के लिए अब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। तो
जी, या यहाँ से कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर जो है ना, हम लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि साइज थोड़ा जो है ना वो लेबल्स बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम कम कर लेते हैं। ठीक है जी, 6 कर लेते हैं, ओके करते हैं जी। ये यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो पीछे चेंजिंग्स आ गई है हमारे पास। ठीक है जी, अगर हम देखें, ये देखें हमारे पास जो है ना डाटा, ये वाला कुछ अजीबोगरीब सा शो हो रहा है। तो इसको चूंकि हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया कर्व्ड है, तो हम लोग फिर से उधर जाके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटल थी, इसको जो है ना हम क्या ले आते हैं, कर्व्ड ले आते हैं। तो सेंटर वाली, ये वाली ठीक रहेगी, ओके करते हैं इसको। यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास चेंज होके वो कुछ इस तरह से आ गए। तो मैप अब हमारा जो है ना कुछ प्रेजेंटेबल जो है ना वो लुकिंग दे रहा है हमें। जी, एक्सरसाइज 3 की तरफ आते हैं हम। वहाँ पे हमारे पास जो ये बाउंड्रीज होंगी, उनको लेबलिंग देनी है हमने। वो किस तरह से दे सकते हैं जी, हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और जी, अब हम लोगों ने ना क्या करना है कि यहाँ पे पार्सल एडिटिंग और जो डिफॉल्ट है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो हम आएंगे एक्सप्रेशंस में। यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट है इसका, वो कौन है, लेंथ है, तो उसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ जो है ना वो हमारा शो हो गया जी। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना थोड़ा सा इश्यू होता है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट एडवांस सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप लोगों ने इसको अनचेक करना है। यहाँ पे अगर कुछ और लिखा हो तो पहले उसको डिलीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नेम आ रहा था, तो अब तो मैंने इसको सेट कर दिया लेंथ। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, ये वाला, लेकिन डबल नहीं आना चाहिए। यहाँ से सब कुछ अरेज करना है हमने और ये अकेला ही होना चाहिए, वरना फिर वो एरर आता रहेगा। इसको ओके करेंगे तो अब हमारी लेंथ जो है ना वो ऐड हो गई है यहाँ पे जी। ये हमारे पास था उसके लिए। अब जो है ना हमारी जो पार्सल लाइन्स हैं, उनको किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग जो है ना लेबल पोजिशन पे आएंगे, तो यहाँ पे कर्ड आ रहा है, इसको हम लोग जो है ना वो चेंज कर सकते हैं जी। तो पोजीशंस पे आते हैं हम लोग, इसको क्लिक करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट आ रही है, तो हम लोग यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें ऑफसेट स्ट्रेट जो है ना वो कर लेते हैं। तो जी, ऑफ स्ट्रेट आ गई है यहाँ पे। तो अब हम लोग जो है ना लेबल ऑफसेट्स को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 1 हुआ हुआ है, यही करेंगे पॉइंट्स। और कॉन्स्ट्रेंट्स में जो है ना हम अबव लाइन कर लेते हैं जी, ओके करते हैं। इसको भी ओके कर लेते हैं, लेकिन अभी फिटिंग स्ट्रेटजी में जाते हैं हम लोग। इसको अनचेक कर देते हैं, ये ऑलरेडी अनचेक्ड है। और यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना अब हम जी पहले की तरह, अब यहाँ पे जो है ना अब हम 5 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ओके करते हैं जी। ये वाला हो गया हमारा ओके, हम इसको ओके कर लेते हैं। ये भी सारा हो गया। अब हम लोग जो है ना सिर्फ क्या जी, यहाँ से ना कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारी रहती थी, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फीचर वेट जो है ना आप ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, वो कर सकते हैं जी। चलें इसको हम लोग 5 कर लेते हैं, ओके करते हैं इसको जी। अब जैसे इसको अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें अब हमारे लेबल जो है ना वो जी जी ये फीचर्स जो है ना वो शो हो रहे। तो अब इसको हम लोग ये देखें, क्लिक करने पर ओके हुआ, ये फीचर्स यहाँ पे लेंथ के आ गए हमारे पास, ये डिफरेंट। ठीक है, ये जो छोटे वाले हमें नज़र आ रहे हैं।